नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे घर में रहने वाले गुलाब के फूल या फिर गुलाब के गुलदस्ते को सूख जाने पर हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ इन सूखे गुलाब के फूलों से भी घर डेकोरेशन करने का कई तरह के आइडिया शेयर करूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहले मैं एक कांच का बोल ली और इसमें मैं ये कलरफुल वाला पत्थर को मैं यहाँ पे सजा रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं हमारे घर में जो सजाने के लिए प्लास्टिक या फिर कपड़ों के फूलों का इस्तेमाल करते हैं उसको भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ताकि ये देखने में और खूबसूरत लगे। इसे देने के बाद अब इसमें मैं पानी दे दूँगी। पानी दे देने के बाद इसके ऊपर मैं ये सूखे जो गुलाब के पंखुड़ी हैं इन्हें मैं सजा दूंगी और इस पानी में मैं थोड़ा सा रोज़ एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रोज़ वाटर या फिर रोज़ ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। के बीच में मैं एक सेंटेड वाला मोमबत्ती को रख दूंगी और उसे मैं जला दूंगी। अब इसे देखने में ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप इसे सेंटर टेबल पे या फिर डाइनिंग टेबल पे कहीं भी पर भी इसे रखें और रखने के बाद आप देखिए ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और साथ साथ एक बहुत नेचुरल वाला रूम फ्रेशनर का भी ये काम करेगा क्योंकि एक बहुत मीठी खुशबू आपको इससे मिलती रहेगी। इस तरह से आप सूखे गुलाब के पंखुड़ी को घर को सजाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैं पॉटपूरी बनाऊंगी। इसके लिए मैं यहाँ पे ये एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ग्लास के कंटेनर हैं, इसमें मैं ये सारे रोज़ के जो सूखे हुए जो पंखुड़ी है इसे मैं दे दूँगी और उसके बाद इसमें मैं दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको देने के बाद अब इसमें घर में रहने वाले कोई भी रोज़ एसेंस ऑयल हो या फिर रोज़ एसेंस जो भी है आप उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपका कोई भी पसंदीदा खुशबूदार तेल या फिर एसेंस जो भी है आप उसको इसमें डाल दें और डाल देने के बाद इसे एयर टाइट करके 24 घंटों के लिए आप रख दें। अगले दिन जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो आप देखेंगे इससे बहुत ही मीठी मीठी खुशबू आ रही है। ये एकदम नेचुरल रूम फ्रेशनर का काम करती है। बीच बीच में आप इसमें थोड़ा सा कोई भी एसेंस डालते रहें और जब देखें कि इसकी खुशबू और अच्छी नहीं आ रही है या फिर पंखुड़ी ख़राब होने लगी तो इसे चेंज कर दें। इस तरह से आप घर पे आसानी से पॉटपूरी बना सकते हैं। हमारे घर पे जब फूल के बोके आते हैं तो वो देखने में इतने खूबसूरत होते हैं कि वो सूख जाने के बाद भी कभी कभी हमें उन्हें फेंकने का मन नहीं करता है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत खूबसूरत आइडिया शेयर कर रही हूँ कि अगर ऐसा गुलदस्ता है जिसे आपको फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो आप उसे घर पर ही स्टोर करें। आप उसे घर पर बहुत अच्छी तरह से इसे सजाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सा गुलाब का गुलदस्ता है जिसको मैं इस तरह के एक कांच के ग्लास में या फिर किसी भी फ्लावर वास में आप इसे इस तरह से रख दें और रखने के बाद आप इसे कहीं भी सजाने के लिए यूज़ करें। ये भी देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ एयर फ्रेशनर घर पे कैसे बनाएं ये वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।